हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। मैं आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पास्ट इनफिनिट टेंस, या उसी को दूसरे शब्दों में सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, आज मैं आपको पास्ट इनफिनिट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका आज का जो वीडियो है वो पास्ट इनफिनिट टेंस पर आधारित है। पास्ट इनफिनिट टेंस, दूसरे शब्दों में इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अब इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अफर्मेटिव का क्या रूल है? इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब नेगेटिव होगा तो उसमें डिड नॉट लगेगा। नेगेटिव में इस टेंस की जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो डिड होती है। इस टेंस की जो हेल्पिंग ऑफ होती है वो डिड होती है, और नेगेटिव में आप सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग ऑफ है वो डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक नेगेटिव और भी होता है जिसमें हम नेवर का यूज करते हैं। डिड नॉट को हटा करके इसकी जगह हम नेवर का यूज करेंगे। नेवर, जब नेवर यूज करेंगे तो मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है कि जब नेवर लगाएंगे, डिड नॉट को हटा के, नेवर मींस कभी नहीं, तो अफर्मेटिव रूल से चलेंगे। तो इस तरह से दो टाइप के नेगेटिव भी होंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ डिड है डिड नॉट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब हम लोग इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें बीती हुई बातें रहेंगी, जैसे आपने बीते हुए समय में पास्ट टाइम में क्या क्या किया वो हम इसमें सीखेंगे। जैसे आया कि कल रात मैं एक फिल्म देखा, कल रात मैं एक फिल्म देखा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में वर्ब दी रहती है, क्रिया दी रहती है, और इस क्रिया का जो साउंड होता है लास्ट में वो आ ए ई की ध्वनि निकलता है, तो समझ जाएंगे कि वो पास्ट इनफिनिट है। मींस कल रात मैं एक फिल्म देखा, आ का साउंड आ रहा है। जैसे आया कल वह अपने मम्मी के साथ कानपुर गई, ई का साउंड आ रहा है। हम लोग परसों एक मैच खेले, ए का साउंड आ रहा है। तो ये सारी बातें बीती हुई समय की हैं, पास्ट टाइम की बातें हैं, तो ये पास्ट इनफिनिट टेंस में होता है। तो जैसे आया कि मैं एक फिल्म देखा, तो किसने देखा? मैंने। तो सब्जेक्ट पहले आए, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉच मींस देखा, और वॉच में आप जोड़ेंगे ईडी, ये सेकंड फॉर्म हो गया आई वॉच्ड। अब क्या देखा? एक फिल्म, तो आई वॉच्ड अ फिल्म, और कल रात के लिए लास्ट नाइट, I watched a film last night. ऐसे ही आया वह मुझे कुछ पैसे उधार दिया, वह मुझे कुछ पैसे उधार दिया। तो इसमें भी ये बात बीती हुई है, आ का साउंड आ रहा है, तो कौन उधार दिया? वह, तो ही, और उधार देना के लिए लेंड होता है LEND, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम सेकंड फॉर्म लगाना होगा तो डी को हटा के टी लिख देंगे। ही लेंट मींस वह उधार दिया। अब किसको दिया और क्या दिया? तो ही लेंट मी सम मनी, कुछ पैसे के लिए आप लिखेंगे ही लेंट मी सम मनी। तो ही आपका यहां पे सब्जेक्ट है, लेंट आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे या किसको का जवाब देता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या का जवाब देता है। और याद रखेंगे जो मनी है वो तो नाउन है, और सम एडजेक्टिव होता है, सम के बाद हम नाउन का यूज करते हैं और सम एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और उसके बाद आने वाला शब्द कोई ना कोई नाउन होता है। वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे सम बॉयज, तो बॉयज तो हम काउंट कर सकते हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियां, सम गर्ल्स। और अगर अनकाउंटेबल नाउन भी आता है तो
तो भी जैसे मनी, मनी को हम लोग नहीं गिनते हैं, रुपेस को गिनते हैं, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जैसे सम टाइम। तो जब याद रखना है कि सम भी एक एडजेक्टिव के रूप में है। अब आइए मैं आपको, ये तो आपने देखा कि ये अफर्मेटिव का रूल था, अब अफर्मेटिव में ही कुछ चीजें और भी एक आध एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। जैसे आया तीसरा एग्जाम्पल कि मैं, जैसे आया कि मैं उसे, तीसरा एग्जाम्पल, मैं उसे धूम्रपान करते हुए देखा, मैं उसे धूम्रपान करते हुए देखा। तो यहां पर किसने देखा, मैंने, आए, और देखा यहां पर मेन वर्ब है, तो सी का सेकंड फॉर्म सा, आए सा, फिर किसको देखा, उसे, तो उसे के लिए हिम। अब क्या करते हुए देखा, धूम्रपान करते हुए, तो आप स्मोक में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, आई सा हिम स्मोकिंग। तो ये जो स्मोकिंग है यहाँ पे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, और इसका संबंध इस ऑब्जेक्ट से है, क्योंकि स्मोकिंग का काम ये बंदा कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था, और मैंने, ये आए जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने क्या किया, देखने का काम किया। तो ये आपका मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म। तो मैंने देखा, किसको देखा, उसे, क्या करते हुए, स्मोकिंग करते हुए। तो जिस भी क्रिया में हुए आ जाए उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे अभी आ गया कि मैंने उसे गाते हुए देखा, तो आई सा हिम सिंगिंग। मैंने उसे मोबाइल चलाते हुए देखा, तो आई सा हिम यूजिंग मोबाइल। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेंटेंसेस जिसमें हुए आ जाए उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, वह दौड़ते समय गिर गया, वह दौड़ते समय नीचे गिर गया, या दौड़ते समय गिर गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं कि कौन गिरा है, वह, तो ही, और गिर गया, गिरना के लिए फॉल होता है, फॉल डाउन, और उसका सेकेंड फॉर्म फेल हो जाएगा, तो ही फेल डाउन मीन्स वह गिर गया। अब कब गिरा, दौड़ते समय, तो जब कोई क्रिया करते समय आ जाए तो वाइल लगाना है, डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल रनिंग, रन में डबल एन हो जाएगा आई एन जी जोड़ते समय, तो ही फेल डाउन वाइल रनिंग। तो यहां पर वाइल का यूज किस लिए किया गया है, क्योंकि वो रनिंग के दौरान, मिस दौड़ने के दौरान वो गिरा है, अर्थात दौड़ते समय गिरा है। तो जब भी दौड़ते समय या दौड़ने के दौरान आ जाए तो वहां पे वाइल लगा के उस क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, वाइल रनिंग, ही फेल डाउन वाइल रनिंग। तो यहां पर दोनों क्रियाओं का संबंध एक ही सब्जेक्ट से, ही से है, गिरने का भी काम ही ने किया है और दौड़ने का भी काम ही कर रहा था, इसलिए यहाँ पे वाइल का यूज किया गया है। ऊपर वाले में वाइल का यूज नहीं किया गया, वाइल स्मोकिंग नहीं लगाया गया, वाइल स्मोकिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे हैं, देखने का काम मैंने किया है और स्मोकिंग का काम ये कर रहा था, ही कर रहा था, इसलिए यहाँ पे वाइल नहीं लगाना है। और यहाँ पे दोनों क्रियाएं एक ही व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, गिरने का काम भी ही ने किया है और दौड़ने का काम भी ही कर रहा था, इसलिए यहाँ पे वाइल लगा के लिखना है, वाइल रनिंग। ऐसे आया कि उसे पढ़ते समय नींद आ गई, जैसे अगला एग्जाम्पल आया, उसे पढ़ते समय नींद आ गई। तो यहां पर आप देखेंगे नींद आ गई, तो ही फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, ही फेल अस्लीप वाइल रीडिंग या वाइल स्टडिंग, मीन्स पढ़ते समय या स्टडी करते समय उसको नींद आ गई। तो यहां पे जब भी कोई कार्य करते समय आ जाए तो वाइल लगा के उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, वाइल स्टडिंग। अब आइए मैं आपको, अब जैसे एक आध और एग्जांपल दूंगा अफर्मेटिव का, फिर मैं नेगेटिव की तरफ आपको ले चलूंगा। सिक्स एग्जांपल, कल वह घड़ी पहने पहने स्नान किया, कल वह घड़ी पहने पहने स्नान किया। तो यहां पर आप देख रहे हैं
कि कौन स्नान किया, वह, तो वह के लिए ही, और स्नान करना के लिए टेक बाथ, टेक का सेकंड फॉर्म टूक हो जाएगा, ही टूक बाथ, टूक यहां पर मेन वर्ब है, टेक का सेकंड फॉर्म, और बाथ यहां पे नाउन है, तो ही टूक बाथ। अब घड़ी पहने पहने, तो कोई चीज पहने पहने आ जाए तो विथ समथिंग ऑन, विथ समथिंग ऑन का मतलब हो गया कोई चीज पहने पहने, एस एम टी एच लिख दिया, इसका मतलब समथिंग समझना है, मीन्स कोई चीज पहने पहने, तो समथिंग की जगह वो वस्तु भरनी है जो चीज पहने पहने आ गया, जैसे वह स्नान किया, ही टूक बाथ, अब क्या पहने पहने, घड़ी पहने पहने, तो विद और समथिंग की जगह वॉच लिखेंगे फिर ऑन लिख देंगे, तो ही टूक बाथ विद वॉच ऑन, मीन्स घड़ी पहने पहने, तो यहां पर विद और ऑन के बीच में वो वस्तु भरेंगे जो चीज पहने पहने आ रही है, घड़ी पहने पहने, जैसे आ गया कि वह यूनिफॉर्म पहने पहने सो गया, कल रात वह यूनिफॉर्म पहने पहने सोया, अब कल के लिए यहाँ पे यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे मिस हो गया था, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, तो ही टूक बाथ विद वॉच ऑन यस्टरडे। इसी तरह से आया कि, और ये अलग है, ये याद रखेंगे, ये कोई चीज पहने पहने के लिए ऐसे यूज करना है, जैसे आया कि वह कल यूनिफॉर्म पहने पहने सो गया, तो ही स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट हो जाएगा, ही स्लेप्ट विद यूनिफॉर्म ऑन, मीन्स यूनिफॉर्म पहने पहने। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा ये अफर्मेटिव के रूल। अब मैं आपको नेगेटिव की तरफ ले चलता हूं, नेगेटिव में, नेगेटिव के एग्जाम्पल्स, नेगेटिव में जैसे आया कि वह कल मुझे फोन नहीं किया, वह कल मुझे फोन नहीं किया, तो ये बीती हुई बात है, कल की बात है, ये पास्ट इनफिनिट है, और इसमें नहीं भी आया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप लिखेंगे कल के लिए यस्टरडे, यस्टरडे को हम लोग शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो यस्टरडे ही डिड नॉट कॉल मी, यस्टरडे ही डिड नॉट कॉल मी। डियर स्टूडेंट्स, डिड नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा तो इसको डिडंट कहते हैं, डिडंट नहीं बोलना है, बहुत सारे लोग इसको डिडंट पढ़ देते हैं, ये याद रखेंगे, इसको आप कहेंगे डिडंट, डिडंट कह सकते हैं, ये करेक्ट है, अगर आप इसका उच्चारण डिडंट करते हैं, प्रोनंसिएशन डिडंट करते हैं, तो ये रॉन्ग है, डिडंट नहीं बोलना है, डिडंट कहना है। तो यस्टरडे ही डिडंट कॉल मी, मीन्स कल वह मुझे फोन नहीं किया। ऐसे आया उस दिन वह उस मीटिंग में सम्मिलित नहीं हुआ, उस दिन वह उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, मीटिंग में सम्मिलित या शामिल नहीं हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हैं किसी चीज में शामिल होने की बात कर रहे हैं, मीटिंग में या क्लास में या कोई पार्टी है, तो वहां पे अटेंड यूज करना है, शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए अटेंड करना है। तो दैट डे, उस दिन के लिए, दैट डे, हम इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। फिर कौन सम्मिलित नहीं हुआ, वह, तो ही डिड नॉट, डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्ट में क्या बताया गया, ही डिडंट, तो आप इसको अभी कह सकते हैं ही डिडंट अटेंड, और सम्मिलित होना के लिए अटेंड यूज करना है, यही आपका मेन वर्ब है, तो ही डिडंट अटेंड दैट मीटिंग, उस मीटिंग में, तो अटेंड दैट मीटिंग, और याद रखेंगे कि अटेंड के बाद इन नहीं लगाइएगा, इन दैट मीटिंग नहीं लिखना, फिर सिर्फ लिखना अटेंड दैट मीटिंग, तो दैट डे ही डिडंट अटेंड दैट मीटिंग। तो आपको अटेंड कहां कहां यूज करना है, जैसे कोई मीटिंग में सम्मिलित होना है तो अटेंड यूज करना है, कोई पार्टी में सम्मिलित होना है तो वहां पर भी अटेंड करना है, अटेंड द पार्टी, क्लास में शामिल होना है तो वहां पे अटेंड द क्लास, तो वहां पर भी अटेंड का यूज करना है। तो ये आपने देखा डिडंट वाले। अब मैं आपको एक एग्जांपल नेवर का भी दूंगा जिसमें कभी नहीं आएगा, वह मेरी मदद कभी नहीं लिया, वह मेरी मदद कभी नहीं लिया, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और कभी नहीं आ गया, तो इसके लिए नेवर
और उच्चारण को भी याद रखना है, रॉनी बोलना है, नेवर, बस अ का साउंड आएगा, ही नेवर। अब लेना के लिए टेक का सेकेंड फॉर्म टूक, ही नेवर टूक माई हेल्प। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब भी नेवर का यूज करेंगे तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। तो जब भी नेवर में आपको डिड नॉट नहीं लगाना है, डिड नॉट की जगह नेवर लगाना है, नेवर के साथ अफर्मेटिव रूल से चलना, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये हमारा रहा आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको पास्ट इनफिनिट का इंट्रोगेटिव की तरफ आपको ले चलूंगा।